गाइस नई जगह नई नई प्रॉब्लम्स, हैलिफैक्स में चल रही है बारिश फुल ऑन। पिछले कल भी बारिश थी, आज भी बारिश है, अगले कल भी फुल बारिश दिखा रहा है। अच्छी बात यह है कि अभी ठंड नहीं है, टेम्परेचर चल रहा है शायद 10 या 11 है अभी का। बड़ी बात यह है कि हमने जिम ज्वाइन कर दिया भाई आज। पिछले कल जिम गए थे हम, मेम्बरशिप वगैरह हमने लिए और फिर आज भी इसके बाद जिम जाएंगे। अभी जा रहे हैं फिलहाल रेज्यूमे प्रिंट करने भाई, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिस काम से हम यहाँ आए, फिर उसके बाद जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना है। प्रॉब्लम ये है कि अभी गाड़ी में भी थोड़ी सी दिक्कत आने लगी है, जब चढ़ाई आ रही है तो उसमें चढ़ नहीं रही है भाई। इनकम कोई है नहीं, बस खर्चे पे खर्चे हुए जा रहे हैं, तो गाड़ी तो अपनी सेट रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ जानता नहीं है कोई हमारे को, कि ऐसा नहीं कि चल गाड़ी यहाँ खड़ी कर दो, वहाँ से कोई घर से लेने आ जाएगा और लेके जाएगा। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं स्पीडी ऑटो सर्विस पे, देखते हैं अंदर जाके कहीं ऊँचा दुकान फीका पकवान तो नहीं है, इनके पास तो वो टूल्स ही नहीं है जो हमारी गाड़ी फिक्स कर सकते हैं। नई गाड़ी ढूंढना स्टार्ट करनी पड़ेगी। रास्ते में गाइस जैगुआर भी मिल गया, इधर ही चले, यहीं से एक चक दे गाड़ी। सो गाइस यहाँ तो मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि पहले गए थे हम स्पीडी पे, अभी आए हैरिंगटन पे। दोनों बंदों ने बताया कि हम अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, बट कर सकते हैं जनवरी 10 तक। हमने क्या कर रहे हैं, बहुत डिले है भाई आगे। अब हमारे जैसा बंदा कोई नया नया मूव हुआ हुआ है, कुछ जानता नहीं है, या फिर कोई ट्रैवल कर रहा है, हैलिफैक्स सिटी से निकलते हुए जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो क्या 25 दिन यहाँ रुकेगा अपनी गाड़ी, वो भी अपॉइंटमेंट होनी है, उसके बाद पता नहीं कितने दिन लगेंगे गाड़ी में। बहुत बड़ी दिक्कत है यार इस तरह, तो इस तरह यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, 20-25 दिन चलते सामने, लैंड रोवर ही ले लेते, बाकी क्या करना। तो अभी निकल रहे हैं गाइस जिम के लिए। बंदे ने तो बोला कि गाड़ी ड्राइव ना करो, ऐसा कैसे ना करो भाई, भाई ये चीज़ें तो आनी चाहिए आपको। छोटी मोटी दिक्कत है कोई गाड़ी में आ रही है, कोई भी आपकी मशीनरी में आ रही है, इतना चेक करना आना चाहिए कि भाई कैसे फिक्स करें, नहीं तो ये हाल होता है। और देखो 25 दिन बाद की हमारे को बताइए क्या करेंगे भाई 25 दिन तक, बोले हम तो जी बहुत बिजी है। अच्छी बात है, लोग तो अभी आएंगे जब काम फटाफट निकलेगा। फंडा सिटी का फंडा समझ में आने के लिए लगेगा थोड़ा टाइम, क्योंकि भाई यहाँ तो कहीं से भी खाले इधर उधर ले लेते, रुकते नहीं है बंदे। सो गाइस दिस इज़ द जिम। जिम तो काफ़ी बड़ा है, मतलब पूरा तो नहीं है, ऊपर तो नहीं है, नीचे वाला फ्लोर है, बट यहाँ पे फ्री वेट्स नहीं है। फ्री वेट्स मतलब वो रॉड वगैरह नहीं है जिसमें आप बेंच प्रेस वगैरह मार सकते हो, बट मशीनें वगैरह सारी है, डंबल्स है। क्या सीन है इनका, भाई इनसे बड़े नहीं मिले इनको क्या, और भाई इतनी ठंड करते हैं पूरे जिम में, दिमाग खराब हो जाता है भाई, पसीना तो आ ही नहीं रहा आपको, ठंड लगी जा रही है पूरे दिन भर, घुमा के लाने का दिमाग कहने के पास उसको पता लग जाता है। अच्छा ओ फक मार होने वाला लगा है, रेंज रोवर की नई गाड़ी लेने तुम जा रहे, इससे इससे पहले हो जाऊं ठीक हो जाऊं मैं हो जाऊं चुपचाप। सो गाइस जॉब हंटिंग हो चुकी है स्टार्ट, पहले रेज्यूमे ड्रॉप कर चुके हैं हम। बोल तो रहे कि यहाँ पे हायरिंग वैसे हम कर नहीं रहे क्योंकि स्लो सीज़न है, विंटर्स में स्लो हो जाता है, बट देखते हैं क्या हो रहा है। द बाइसिकल थीफ बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ का, काफ़ी पॉपुलर है, तो यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है। बाहर लगी बारिश, अब हो गया थोड़ा टफ बाहर सड़कों पर चलना है, क्योंकि रेज्यूमे ड्रॉप करने के लिए आपको उतरना तो पड़ेगा भाई गाड़ी से, और थोड़ा बहुत यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत है, पार्किंग थोड़ी दूर लगानी पड़ती है और फिर आपको चल के जाना पड़ता है। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़, एक आधी जगह पे देखते हैं कहीं अगर पार्किंग क्लोज मिलती है, नहीं तो घर ही निकलना पड़ेगा। जितनी भी जगह में हम अभी तक गए हैं सबने यही बोला है कि हम हायर तो वैसे नहीं कर रहे हैं, बट विल कीप योर रेज्यूमे, मैं कहता हूँ रखे तो क्या ही करेंगे। अगर इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही तो सोचो अगर कोई नया आ रहा है तो भाई उसका क्या होगा, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट चार साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है दोनों के पास। ऐसे बंदों को भी टफ हो रहा है जिनके पास चार पाँच साल का एक्सपीरियंस है, तो भाई नए बंदे को तो जिस पर सीधा इंडिया से यहाँ आ रहा है जॉब ढूंढ रहा है, तो उसके लिए तो भाई बहुत ज़्यादा टफ होगा। बट जो रेस्टोरेंट का होता है वो ऐसा होता है सीजनली चलता है, समर्स में तो यहाँ पर हम बता सकते हैं क्रेजी बिजी होता होगा भाई। अभी बस लेने जा रहे हैं हम, फिर से कॉलेज लाइफ एक बार स्टार्ट हो गई है। तो आज तो घर में पानी भी नहीं था भाई, पता नहीं क्या दिक्कत आई थी, बट अभी आया थोड़ी देर पहले। हमारे पास 15 मिनट थे, मैं और हैरत निकल रहे, हैरत पीछे आ रहा है, तो हमारे पास 15 मिनट थे रेडी होने के लिए। तो भाई लॉन्डो का यही रहता है, बस दस पंद्रह मिनट चाहिए अपन हो जाते रेडी, एक जैकेट पहनना, एक पैंट पहनी, अंदर से टी शर्ट पाई, काम खत्म। ऐसा एक बस स्टॉप है, ये देखो हैलिफैक्स ट्रांजिट 415 नंबर बस आनी है यहाँ पे, तो हमारे को यहाँ खड़ा रहना है, हमारे सामने बस रुक जाएगी। मेकअप बंदा ही होगा, बंदा ऊपर पहुँचा सड़क पे, बोल रहा है 4:11 की बस है, 6 मिनट यहाँ क्या करेंगे यार, टाइम इज प्रेशियस, 6 मिनट बर्बाद कर दिए यहाँ पे खड़े खड़े। कितनी रील्स देख ले, रील्स एडिट कर रहा था भाई सुबह से, प्रोडक्टिविटी रू तक
घुस चुकी है। सही भाई, इस बंदे का स्क्रीन टाइम सुनोगे ना आप, मंडे का स्क्रीन टाइम 14 घंटे, 14 घंटे था पूरे दिन भरे 14 घंटे फोन पे था। मेहनत लगती है, अकम्प्लिशमेंट बोलते हैं इसको। मैं तो चेक ही नहीं करता, मैं तो बंदी क्या हुआ, मेरा तो आते ही स्क्रीन टाइम भाई। तो 14 घंटे तो भाई तब भी नहीं होगा जब मैं ऑन भी करूँगा। $2.75 यही हमारा किराया है। तो हमारे पास चिल्लर हमने इकट्ठे कर दिए, बस बस का वेट हो रहा है, इस साइड से बस आनी है। तो गाइस अपनी बस आ चुकी है और निकलते हैं यहाँ से फटाफट। 415 नंबर बस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। बस में एक भी बंदा नहीं है, एक भी बंदा नहीं बैठा है। बेस्ट सीट इन द हाउस इज लास्ट वन हियर। कोई दूसरा बंदा यहाँ बैठा है तो थोड़ा ऑफर हो जाता है, लेकिन चुल्ला की सेक्शन खुला ना। हाँ बैक सीट तो वैसे यही है यार, मैं भी इधर ही आ जाता हूँ इस साइड वाली। यहाँ पे पूरा एक्सटेंशन मिलता है, यहाँ पे एक बंदा होता है। हाँ कॉलेज तो वैसे अगर आपको रास्ते में उतरना है कहीं ना, तो आपको कंडक्टर नहीं मिलेगा जिसको बोले कि भाई रोक रोक रोक, या फिर ड्राइवर को आवाज़ मार रही है। ये वाली जो वायर दिख रही है ना आपके सामने, और इन लोगों को टाइम का भी बिल्कुल सेट रखना पड़ता है काम, क्योंकि आगे भी नहीं जा सकते कहीं, जल्दी भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगले स्टॉप पे बस अगर आपको ऑनलाइन बस दिखा रही है 4:30 पे, तो 4:30 पे आ रही है, अगर 4:28 पे निकली ना तो फिर लोचा हो जाता है। तो इनको अगर जल्दी चल रही है तो पीछे किसी स्टॉप पर रुकना पड़ेगा। भाई इस बंदे ने ऐसा गलत टाइम चेक किया है ना, भगा के लाया अभी, बोले बस चली गई 5 मिनट पहले आ रही है। यार ऐसे कैसे सोचते हैं, 5 मिनट कहाँ चढ़ गई यहाँ पे, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे आने के लिए बस पकड़ी। 31 पे आ रही है। अगर बंदा ऑनलाइन कोई चेक ना करे, अगर किसी ने डेली जाना है तो वो कैसे जाएगा भाई, अगर जल्दी है बस। हेरिंग कोव जाना है यहाँ से, क्या आप बात कर रहे हैं? तो और कहाँ जाना आपने? वो कहाँ है, क्या नाम अपना? नौकरी यही है यहाँ पे, और क्या है? अच्छा ओ अच्छा, ये कौन सा कोव है इधर आगे? वो दूसरा कोव है कोई यार, वो भी तो हेरिंग ही है। तो हेरिंग को सारा हेरिंग को भी है भाई, पूरा इतना बड़ा है, लेकिन सिटी का नाम तो कुछ अलग होना चाहिए ना। बात करनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे गंदगी हो गई थी। सीन ही है कि हमारे को ग्रो, हमारे पास ग्रोसरी करने के लिए सिर्फ आधा घंटा है, आधे घंटे में अगर हमने नहीं की और बस निकल गई तो फिर घर नहीं पहुँच सकते भाई। आधा घंटा तो बहुत होता है, आधा घंटा तो बहुत होता है ऐसा लगता देखो। और क्या है अभी, पूरा स्टोर खरीदना खरीदना, 2 लोगों का राशन खरीदना, ऐसे बड़ा उस टाइम की तरह 100 लोगों का खाना खरीदना। 100 लोगों का कम खरीदते थे, 100 ही थे, पर जिस हिसाब से खाते थे बंदे। बस लेट हो जाती है कई बार, लेकिन जल्दी नहीं होती कभी नहीं। हाँ जल्दी होगी तो फिर वो होगा ना कि अगर कोई बंदा डेली जाता है और ऑफिस टाइम है बंदे का, और बंदा जल्दी निकल गया, फिर इंडिया वाला सीन थोड़ी है कि भाई 8 बजे वाली बस 7:30 ही निकल गई। आज ड्राइवर और कंडक्टर जल्दी उठ गए, मतलब जिस स्पीड से वो आ रहा था ना बंदा, वो 5 मिनट पहले पहुंच जाना था इस। सोच हमने स्कूल जाना है ना सुबह सुबह, 8 बजे बस आनी है, बंदे 7:30 ही निकल जाते हैं। बोले जी सुबह से हम कल ही नहा गए थे, आज नहाना नहीं था, हम 2 दिन बाद नहाते हैं। बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो बस स्टॉप्स हैं ना, ये वाले काफ़ी सारे बस स्टॉप्स ऐसे हैं जहाँ पे कवर नहीं है, बारिश आ जाए तो बंदे का तो यहाँ पे बन ना जाए। 431 का था, 431 का टाइम है यहाँ पे, 431 पे पहुँची है बस। तो अपन लोग पहुँच चुके हैं हमारा प्यारा नो फ्रिल्स, यहाँ पे बड़ा अच्छा मतलब ठीक मिलता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, वॉलमार्ट सोबेज इससे सस्ता ही होता है सामान सब कुछ। तो ये सामान लेके आ चुके हैं, फुल 2 बैग इतने बड़े बड़े और एक आलू का, और असली हसल अब स्टार्ट होती है कि यहाँ से जाना है बस तक। लोडेड है फुल, और सीन ये है कि भाई जो इनकी कार्ट है ना, ये आप ज़्यादा दूर ले जा ही नहीं सकते, हम ले जाने लगे मैं कहा बस स्टॉप तक ले जाते हैं। इसमें टायर में लॉक लग गया भाई, सॉरी यार नो फ्रिल्स वालों, आपको आके यहाँ से ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ भी गलत हुआ है। सो स्टूडेंट्स का एक हसल ये भी है कि यार ग्रोसरी करो, इतने भारी भारी बैग लाओ, बारिश चल रही है, बर्फ़ है, ठंड इतनी होती है भाई, -20-25 डिग्री में आपको सामान उठा के जाना है बस स्टॉप तक, एक बस से दूसरे बस स्टॉप तक जाना है। चलो लड़के हों वो कर भी देते हैं, लड़कियों को टफ हो जाता थोड़ा यार, इतना भारी सामान वो कैसे उठा के जाते। तो ये चीज़ है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है ना तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी टफ होती है।